हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर आर के रॉय NIT। आज आपको क्लास 11 का फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें आज ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ाऊंगा, जब एंगल 90 से ज्यादा दिए हो। क्लास 10 तक आप लोग एंगल 90 तक वैल्यू याद किए होंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब वैल्यू याद किए होंगे। आज अगर एंगल 90 से ज्यादा हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए आइए, पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि ये क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में जानते होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कॉसेक, साइन का ही उल्टा क्या होता है, कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, कॉट। फोर्थ में कॉसेक। तो चलिए क्या होता है, इसमें क्या होगा, अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो ऑल पॉजिटिव, 0 से 90 तक कोई भी वैल्यू, उसका सभी वैल्यू साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, सेक, सभी वैल्यू पॉजिटिव होगा। और अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो उसमें सिर्फ साइन, उसी का उल्टा कॉसेक, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो उसमें सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। और कोई एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो चलिए इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक याद कीजिए, एट सुगर टू कॉफी, ऐसे ही याद रखना आपको, एट सुगर टू कॉफी। क्या हो गया, एट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सुगर सेकेंड, टू थर्ड, कॉफी फोर्थ, ए फॉर ऑल, मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एस फॉर सुगर, एस फॉर साइन, उसका उल्टा कॉसेक, पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, टी फॉर टेन, उसी का उल्टा कॉट, क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सी से कॉस और से, उसी का उल्टा पॉजिटिव। मतलब ऐसे याद रखना आपको, एट सुगर टू कॉफी, ए फोर ऑल, मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस फोर साइन एंड उसी का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में क्या होगा, टी टू, टी फोर टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ गया, कॉफी, सी से कॉस, उसी का उल्टा सेक। चलिए ये आप याद रह जाएगा आपको। आइए फिर आपको दिखाते हैं कि एंगल कैसे लिखा जाएगा अगर 90 से ज्यादा हो तो। ये याद कर लिए, जब भी वैल्यू 90 से ज्यादा दिया हो, अगर थीटा मान लेते हैं, अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखा दिए, थीटा अगर थीटा मान लीजिए 210 डिग्री दिया, 90 से ज्यादा हो तो क्या करना है, इसको थीटा को दो पार्ट में तोड़ना है, क्या करना है, इसको दो पार्ट में तोड़ना है, एक क्या करना है, 90 गुने एन, ये क्या है, इंटीजर कोई है, प्लस माइनस फाइव, फाइव क्या है, एक्यूट एंगल, 0 से 90 तक में आपको वो लिखना है, जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू 30, 45, 60, ये आपको लिखना है फाइव की जगह। तो आइए देखते हैं, और n क्या है, ये एक इंटीजर है, इंटीजर क्या, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट इंटीजर होगा, जैसे आपको दिखा रहे हैं, पहले 210 को कैसे लिख सकते हैं आप, दो तक एक 90 गुने 2 प्लस 30 या 90 गुने 3 माइनस 60, ठीक। जब आप ऐसे लिख लीजिएगा उसके बाद आपको चेक करना है, तब ध्यान दीजिए, अगर n, ये जो n है, ये जो n है, n अगर ये n इवन रहा, इवन में है, तो क्या होगा, फंक्शन
फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन कॉट कॉस सेक जो होता है ये क्या होगा चेंज हो ऑड अगर इवन रहा तो फंक्शन एफ यू एन सी टी आई ओ फंक्शन डज नॉट चेंज मतलब फंक्शन चेंज नहीं करेगा साइन साइन ही रहेगा कॉस कॉस ही रहेगा कॉसेक कॉसेक ही रहेगा सेक सेक ही रहेगा टेन टेन ही रहेगा कॉट कॉट ही रहेगा अगर एन यानी 90 का मल्टीपल ऑड है तो क्या होगा फंक्शन चेंजेज चेंजेज लिख लो फंक्शन चेंजेज फंक्शन चेंज करेगा और कैसे देखिए इधर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा एरो इधर भी है कॉस साइन में चेंज हो जाएगा टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा तो देखिए फिर एक बार मैं बोलता हूं जब भी एंगल 90 से ज्यादा हो तो उसे क्या करना है 90 के मल्टीपल में प्लस माइनस एक्यूट एंगल जो आपको फिर स्टैंडर्ड याद रहेगा उसके टर्म में लिख लेना है फिर चेक करना है कि ये एन जो मल्टीपल लिखे वो ऑड है या इवन है इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा अगर ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन किस में हो जाएगा कॉस में कॉस साइन में टेन कॉट में कॉट टेन में वैसे ही सेक और कोसेक के साथ भी होगा चलिए तो आइए इसको दिखाते हैं एक बार और जब ये अगर फंक्शन चेंज नहीं होगा अगर ये हो जाने के बाद यही आपका वैल्यू रह जाएगा उसी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा आइए दिखाते हैं जैसे करके जैसे 210 डिग्री है उसी का कहेगा कि साइन 210 निकालिए क्या होगा इसका तो क्या करना है लिखना है पहले तो सबसे पहले जब ही कोई वैल्यू दे साइन मान लीजिए 200 इसका साइन कॉस टेन तीनों का मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं जब ही दिया हो तो पहले आप क्या करेंगे एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे चलिए क्वाड्रेंट ड्रॉ किए और चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है तो देखिए यहां से यहां तक होता क्या ये यहां से यहां 90 यहां से लेके यहां तक 180 क्योंकि एंगल जब आप एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव होता है ये होता है यहां से ये पॉजिटिव एक्सेस ये वाई यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल होता और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो निगेटिव होता है तो चलिए 210 है पॉजिटिव एंगल है तो यहां तक फेंकता है क्या 180 यहां तक क्या होता है ये देखिए 0 डिग्री यहां तक क्या होता है 90 यहां पर आ जाएंगे तो 180 ये 270 और पूरा राउंड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 360 तो आपका क्या है 210 इसका मतलब क्या इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है और आप याद किए हैं 8 शुगर 2 कॉफी थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि जो 210 डिग्री उसका 10 और कॉट का वैल्यू ही पॉजिटिव होगा अदरवाइज सभी निगेटिव होगा साइन निगेटिव कॉसिक निगेटिव कॉस निगेटिव सिक निगेटिव होगा तो चलिए इसका मतलब होगा कि साइन का वैल्यू तो हम पहले ही जानेंगे कि इसका वैल्यू निगेटिव होगा आइए इसको लिख लेते हैं ये समझ गए हम कि इसका वैल्यू जो भी आएगा वो निगेटिव में होगा तो लिखिए 200 फिर क्या है 210 डिग्री को आप लिख लीजिए 90 के मल्टीपल में हम लिखते हैं साइन 90 इंटू 2 प्लस 30 हो गया ऐसे भी चेक कर सकते हैं ये 92 है 19 into 1 यहां तक 90 into 2 यहां तक प्लस 30 यही एंगल है यहां से लेके यहां तक ये 30 डिग्री ये क्या होगा आपको 210 ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक 210 डिग्री हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो समझ गए कि थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है ओनली 10 एंड कॉट पॉजिटिव तो इसका वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा फिक्स है माइनस दे दिए और देखिए ये क्या है फंक्शन का मल्टी ये जो 90 का मल्टीपल क्या है इवन तो फंक्शन चेंज नहीं होगा साइन को साइन ही रखिए
और क्या बोले, इसका बस यही चेक करना है कि ये फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, और जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 30। यानी अब साइन 30 का वैल्यू तो आप याद किए होंगे टेंथ में, जो क्या होता है 1/2 माइनस 1/2। अगर याद नहीं हो तो मैं यदि आपको यहाँ पे वो एंगल पूरा 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू साइन कॉस 10 तीनों का लिखूंगा, उसी को उल्टा हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये याद रहेगा तभी आप इसका वैल्यू सबका निकाल सकते हैं। चलिए तो पहले आपको वही वैल्यू एक बार याद दिला दे तब अच्छा रहेगा सभी क्वेश्चन करने में। नोट कर लीजिए। चलिए दो से चार क्वेश्चन कराएंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जितना भी बुक में कि कहीं फॉर्मूला दिया हुआ है बहुत साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा इस सब में बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको समझना है, याद नहीं करना है सिर्फ समझना है, हो गया। कोई सा भी वैल्यू आपको दो आप निकालेंगे आराम से, बस थोड़ा आप ये याद स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखिए, एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू याद रखिए। क्या एक साइन कॉस 10 साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60√3/2 साइन 91 कॉस 0 1 कॉस 30√3/2 कॉस 45 1/√2 कॉस 60 1/2 कॉस 90 0 10 0 0 टेन 30 1/√3 टेन 45 1 टेन 60√3 टेन 90 नॉट डिफाइन एनडी मतलब नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी होता है। इतना वैल्यू आप कम से कम मुंह पे याद होना चाहिए, जैसे कोई बोले साइन 30 क्या होगा तो 1/2 साइन 60 क्या होगा √3/2 अगर इतना वैल्यू याद रहेगा आपको तो कोई भी वैल्यू निकालने में आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इतना वैल्यू एकदम जवानी बिल्कुल याद रखिए। उसके बाद आगे सिखाते हैं, और क्या ये तीन याद रहेगा ना तो उसी का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, बस ये आप याद कीजिए नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको दो चार क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वेक्टर पढ़ाएंगे, और जब वेक्टर हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसके बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया जाएगा। जल्दी 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 छापिए आप लोग दे रहे हैं। आप आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो फंडा क्लियर हो जाएगा सभी। अभी 210 डिग्री लिए थे उसी को लेते हैं, यही 210 डिग्री का साइन का करके दिखाते हैं, क्या निकालना है साइन कॉस 10, जब ये तीनों आ जाएगा तो इसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा सेक हो जाएगा कॉट, आपको ये करके दिखा चुके हैं, अभी हम आपको कॉस करके दिखाएंगे 10। तो चलिए फिर से आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जैसे कोई एंगल दिया है उसे क्या करना, पहले 90 के मल्टीपल में लिखना है, जैसे कॉस 210 डिग्री है तो आप इसको क्या कीजिए 90 के मल्टीपल में लिखिए, कॉस 90√2+30 ठीक, या इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कॉस 90√3 माइनस
60 हो गया, दोनों में 210 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए आराम से। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि चेक करना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। पहले भी चेक कर सकते हैं कि चलिए बाद में करते हैं। 90 × 2 एक क्वाड्रेंट होता है 90 का, तो 90 × 1 यहां से यहां चले गए, 90 × 1 90 × 2 यहां तक आए, यहां तक आ गए प्लस 30। ये आपको लेके यहां से लेके एंगल यहां तक क्या हो गया 210 डिग्री हो गया। ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं 8 sugar 2 coffee। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? सिर्फ 10 और cot पॉजिटिव, तो cos है तो नेगेटिव होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया फिक्स, यहां नेगेटिव होगा जो भी हो। इससे आप कीजिएगा तो देखिए, पहले इस वाले से कीजिएगा तो ये क्या है 90 का मल्टीपल इवन, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो सीधा ऐसे ही लिख देंगे cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है अभी याद किए होंगे, माइनस ये तो साइन हुआ √3/2 हो गया। अच्छा जी, अब ये तो इवन मल्टीपल वगैरह करके दिखा दिए, अब आपको ऑड मल्टीपल वगैरह करके दिखा देते हैं कि अगर 210 डिग्री को 90 × 3 − 60 लिखेंगे तो क्या होगा। देखिए जैसे फंक्शन क्या हो गया, ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज होगा कैसे, साइन होता था कॉस में और कॉस साइन में। तो और क्या कहते हैं 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा यदि पहले जानकारी है, और ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा साइन में, और ये 60 डिग्री जो है ये उतर जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2, और पीछे क्या है माइनस, ये माइनस तो पीछे है साइन के कारण थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस √3/2। कोई दिक्कत? चलिए हो गया cos, लिखिए दोनों से करके दिखा दिए, ये इवन मल्टीपल में यहां वाला, ऑड में वहां है। ये थोड़ा एक वैल्यू आप आपको और याद करा देते हैं, एक ट्रायंगल याद कीजिए, 3 एक राइट एंगल ट्रायंगल याद कीजिए, 3 ये 4 ये 5, ये एंगल 37 डिग्री, ये 53 डिग्री। ये ट्रायंगल याद रहेगा तो एंगल आपको खुद याद रह जाएगा, 3, 4, 5 के एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे, अगर देखिए 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल याद रहेगा तो फिक्स है, छोटा साइड के सामने का एंगल छोटा 37 डिग्री, और बड़ा साइड का एंगल, बड़ा साइड के सामने का एंगल, बड़ा एंगल 53 डिग्री। जब ये आपको याद हो जाएगा तो जस्ट क्या कीजिएगा, साइन 37 क्या हो जाएगा, साइन 37 क्या होता है P/H, और कोई एंगल का परपेंडिकुलर क्या होता है उसके जस्ट अपोजिट, सामने देखिए 37 के सामने कौन सा साइड है, 3 और हाइपोटेन्यूस से जानते हैं सबसे बड़ा होता है जो ये 5, साइन हो गया cos 37 क्या हो जाएगा, बेस B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए बेस क्या होता है, जिस साइड पे एंगल हो, ये 37 है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो गया 4/5। ऐसे 10 × 37 क्या हो जाएगा, P/B 3/4,
ठीक चलिए इसको लिखिए वैसे 53 डिग्री का सेम कर लीजिए आइए 53 डिग्री का कर लीजिए क्या हो जाएगा साइन 53 डिग्री 4 अपॉन 5 पी अपॉन एच कॉस 53 डिग्री 3 अपॉन 5 10 53 डिग्री 4 अपॉन 3 चलिए बस आप ये ट्रायंगल याद रखिए उसे आप सभी वैल्यू याद रह जाएंगे उसे मुंह पर भी याद रख सकते हैं 3 4 5 अच्छा 3 छोटा साइड है इसके सामने का एंगल होगा 37 और 4 के सामने का होगा क्या 53 डिग्री मुंह पर एक बार इमेज बना लीजिए दिमाग में फिगर आप सभी वैल्यू आराम से याद रहेगा सिर्फ ये ट्रायंगल इमेज बनाइए दिमाग में ये सभी वैल्यू आपको खुद याद हो जाएंगे चलिए ये हो गया तो आइए करके देखते हैं क्वेश्चन चलिए एक एंगल लेते हैं 143 डिग्री इसी का क्या निकालना है साइन कॉस टेन तीनों वैल्यू निकालना है इसको क्या करना है सबसे पहले क्या बोले इसको 90 के मल्टीपल में लिख दीजिए क्या हो जाएगा 90 गुने 1 प्लस 53 डिग्री हो गया 143 या इसको 90 इंटू 2 माइनस 180 हो गया 37 डिग्री हो जाएगा 180 माइनस 37 180 माइनस सही हो जाएगा आइए निकाल के देखते हैं एक बार साइन पहले निकाल ये हो गया उसके बाद आप क्वाड्रेंट चेक कीजिए कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है इससे 90 इंटू 1 प्लस 53 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में गया या इससे भी करके देख लीजिए तो 90 इंटू 1 2 यहां तक अब माइनस 37 डिग्री क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव तो 90 इंटू 2 यहां तक आ गए अब -37 ये हो गया -37 डिग्री यही एंगल हो गया यानी यहां से यहां तक आपका वैल्यू क्या हो गया 143 डिग्री इसका निकालना है ये किस क्वाड्रेंट में गया सेकेंड क्वाड्रेंट क्या याद कीजिए 8 sugar 2 coffee सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन सुगर एस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा सिर्फ साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा उसके अलावा सब नेगेटिव होगा तो ये पहले लिख लिया ऐसे अब आइए देखते हैं साइन 143 डिग्री साइन 143 हो गया इसका वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा फिक्स है चलिए साइन इसको इस हिसाब लिखते हैं 90 इंटू 1 प्लस 53 डिग्री और मल्टीपल है फंक्शन चेंज होगा साइन किस में हो जाएगा कॉस में कॉस 53 डिग्री फिर आप वो फिगर इमेज की याद कीजिए 3 4 3 4 5 3 के सामने 37 4 के सामने 53 53 है यहाँ पे क्या है 3 यानी 3/5 हो गया सेम इसे से भी करके दिखाएं क्या चलिए लिख लीजिए साइन 90 इंटू 2 माइनस 37 ये क्या है फंक्शन चेंज नहीं करेगा इवन है चलिए और ये पॉजिटिव साइन तो होगा ये पॉजिटिव साइन 37 डिग्री क्या हो जाएगा पी वाई
इमेज फिर याद कीजिए, तीन चार पांच, तीन के सामने का एंगल 37, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, थ्री बाई फाइव, ओके दोनों से करके दिखा दिए। ऐसा वैल्यू कॉस टेन का याद कीजिए, कॉस का भी से निकाल लीजिए टेन का भी, चलिए करके अभी दिखा देते हैं, लिख लिए, चलिए लिख, चलिए कॉस लेते हैं, कॉस 143, पहले दिखा दिए है जो क्या गया सेकंड क्वाड्रेंट में गया है, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है सिर्फ साइन और कॉस एट पॉजिटिव, तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव ही होगा। चलिए कॉस 90 इंटू 1 प्लस 53 डिग्री, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, फिक्स है वो तो मालूम है, और इसको फंक्शन ये क्या है ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस किस में हो जाएगा साइन 53 डिग्री, और वो फिगर याद कीजिए फिर नहीं भूल लीजिए, लिखे देते हैं तीन चार पांच 37 53 हो गया साइन 53 के सामने क्या हो गया 4/5। अगर याद नहीं रहे इमेज दिमाग में अगर नहीं रहे तो लिख लिया कीजिए फटाक से, क्या गए तीन चार पांच, तीन के सामने 37, चार के सामने 53 हो गया, अब जो वैल्यू लिख लीजिए ठीक, कॉस का हो गया ऐसे, चलिए टेन का कर देते हैं, टेन 143 की जगह चले लिखते हैं टेन 90 इंटू 2 माइनस 37 हो जाएगा, 180 में 37 गया तो 143, 180 माइनस 37 38 हो गया ना। चलिए ये देखिए क्या है, इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, 10 37, अब तो पहले ही हम मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा माइनस 10 37 क्या हो गया, फिर याद नहीं है तो लिखिए 3 4 5 37 53 कितना 10 37 3/4 हो गया। ठीक चलिए और एक से दो और क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद आप लोग बिल्कुल हो जाएगा क्लियर, आप खुद से नहीं अपने से भी चेक कर सकते हैं, कोई कर लीजिए 120 ले 90 प्लस 30 है, अपने मन में कीजिए 120 90 इंटू 3 270 270 प्लस 60 ले लीजिए 330 ले लीजिए, जो भी एंगल हो अपने से चेक कर सकते हैं। एक दो हम और बड़ा सा एंगल करा देते हैं, उसके बाद ये मेरा टॉपिक एंड होगा, उसके बाद क्या वेक्टर पढ़ाएंगे, एक वैल्यू लीजिए 510, 510 डिग्री का फिर वही साइन कॉस और टेन निकालना, तो आइए पहले क्या करते हैं 510 को लिख लेते हैं, इसको दो तरीका से पढ़िए, 90 इंटू 6 क्या हो जाएगा 540 नछा के 54, 540 हो जाएगा,
9 × 6 540 माइनस 30 हो गया 510, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 90 × 5 तो 450 हो गया प्लस 60। अब जो मन है कोई यूज कर सकते हैं, इसमें क्या होगा फंक्शन ऑड है तो चेंज होगा, इसमें इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये लिख लेने के बाद आपको चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्वाड्रेंट बना लीजिए 19 × 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक आ गया। अब माइनस 30 है तो उल्टा जाइए, माइनस ये क्या हो गया 30, यानी यहां से शुरू किए थे एक राउंड लगाने के बाद यहां तक जो एंगल है ये हो गया 510। ठीक हो गया, किस क्वाड्रेंट में गया है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन है साइन पॉजिटिव होगा, साइन 510 को लिख लीजिए, साइन 90 × 6 माइनस 30। ठीक, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा और ये इवन है चेंज नहीं होगा, साइन 30 1/2, यानी जो साइन 30 का जो 30 का वैल्यू होगा वो सेम 510 का भी होगा। हो गया, ऐसी कॉस के लिए कीजिए, आइए इसको मिटाएं। कॉस के लिए लिखिए, जानते सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉस 510। ठीक, इसको लिख लीजिए कॉस 90 × 5 प्लस 60 हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू नेगेटिव होगा फिक्स, चलिए नेगेटिव दे दिए, और ये ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा साइन, 60 का जो वैल्यू होगा वो ये होगा माइनस √3/2। सेम आप इसी के लिए 10 के लिए कर लीजिएगा, मतलब ये कर ही देते हैं 10, इसको भी लिख दीजिए 19 × 5 प्लस 60। ठीक, ये सेकंड क्वाड्रेंट गया था, इसका वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा और फंक्शन ये क्या है चेंज कर जाएगा, ऑड मल्टीपल है 5 तो 10 कॉट में हो जाएगा कॉट 60। तो क्या हो जाएगा कॉट 60 का वैल्यू, 10 60 का याद है क्या कहते हैं 10 60 का √3, कॉट के लिए क्या हो जाएगा उल्टा माइनस 1/√3। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर तब भी आपको कोई दिक्कत होता है इसमें वैल्यू निकालने में या कोई, तो आप ये मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप पूछ सकते हैं 7568955081, 7568955081, इस पे आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप डॉट पूछ सकते हैं। चलिए बाय बाय, इसके बाद आप वेक्टर पढ़ाएंगे।